मामला हुआ है पूरा है? क्या मामला हुआ है? टक्कर है गई बस, टक्कर वही जाके वो छोरी के बसरा भी सबके आगे बाप बेटा हुआ, पक्षे में छोरी आ गई वो बात बसरा छोरी थी और भरा टक्कर हुई बस तुरंत। अच्छा तो कितने लोग हादसे में, कितने लोग हादसे में? चार ही, एक तो खत्म है, एक रीढ़ की हड्डी टूट गई है और बाप बेटी की कोई आस ना बचे न बचे तो मसरा का रेफर कर दिए। तुरंत डॉक्टर ने लापरवाही करिए, यहाँ आके बच्चा पानी मांग लो, एक घंटा तक भर रहा हूँ रोकू तो गच्छा कर लो भी बेचो जिनकी है। देखिए आज सुबह क्या है, ये इंसिडेंस, एक बच्चे की जान गई है, तीन लोग एडमिट हैं अभी हॉस्पिटल में, इलाज किया जा रहा है, मौके पर शांति व्यवस्था है अभी। हाँ मैं यहाँ पे सीओ साहब ने एसपीआरए साहब भी अभी मौके पर मौजूद हैं। क्या परिवारी जनों द्वारा कुछ मुआवजे की भी मांग की गई है? मुआवजे की मांग की गई है, उनकी मांग में जो भी न्यायपूर्वक हम लोग सोच के उसको शासन के लिए भेजेंगे और शासन से जो भी सहायता आएगी हम लोग दिलवाएंगे। परिजनों का यह आरोप है कि वो घायल को एक्सीडेंट के बाद अस्पताल ले गए, वहाँ पर ना कोई डॉक्टर ना दो घंटे। इस मामले की जांच की जाएगी, इस मामले की जांच करवाई जाएगी सीएमओ के माध्यम से। मामला रहा, क्या कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है? आज प्रातः हाथिया चौकी के पास एक बाइक और रोड बस में थोड़ी सी टक्कर हुई, इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा चुका है और जो कुछ लोगों ने यहाँ पर जाम लगाया था उनको समझा बुझा के घर भेजा गया है। तो इसमें से जो जाम लगा रहे आक्रोशित लोग उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई, कोई हिरासत में लिया है? उनको उनमें से कुछ एक को हिरासत में लिया गया है, सही तत्वों की जांच कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। कुछ बाइकें भी यहाँ से लावारिस बरामद की है? हाँ, कुछ 8-10 बाइकें भी लावारिस बरामद की गई हैं, इनके पेपर्स देखे जाएंगे और इसके पश्चात अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल शांति है, शांति है, पीएम के लिए बॉडी भेज दी गई है, अग्रिम विधि कार्रवाई ठीक शीघ्र की जाएगी। मृतक के कोई मुआवजे वगैरह की कोई सरकार? उनमें से पीएम के पश्चात परिजनों ने कहा है कुछ मुआवजे के लिए तो नियमानुसार विधि कार्रवाई की जाएगी। घायलों की क्या स्थिति है? घायलों को का जिला अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।